वदा शाहजी बोरखेड़ी रोड पर स्थित मनोज जावल के मकान में आग लगने से घर में रखा घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। मनोज कुमार रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरखेड़ी रोड पर स्थित हमारे मकान में मम्मी पापा रहते थे। रात्रि 9 बजे व्रत होने के कारण यह लोग मेरे पास जहां मैं रहता हूं वहां पर व्रत खोलने आए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों से लगी आग से हमारे घर का संपूर्ण सामान जलकर राख हो गया है। पिताजी बैंड बजाने का काम करते हैं, यही एकमात्र जीवन यापन का साधन है। आग लगने से बैंड सहित बैंड बजाने में काम आने वाली संपूर्ण सामग्री जलकर राख हो गई है। गनीमत ये रही कि मम्मी पापा उस समय मकान के अंदर नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज करवा दी गई है। रात को पापा मम्मी यहाँ सोते थे, खाना खाने, रात को व्रत था, उपवास था, वो 10 का जो वहाँ खाना खाने गए और उसी बीच मौका देखकर या तो किसी ने ना मालूम किसी ने लगा दी या फिर लाइट या तार निकल रहे ऊपर, जो वो तारों से शॉर्ट सर्किट हो गया, वो जो उससे आग लग गई है, वो तो बच गए मेरे माता पिता, ने तो यहाँ होते तो ये वो भी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तो फिर तार में भी तो आई होगी थोड़ी, तार लाइट तो ले रही नहीं ले रही हमने, लाइट तो आई तो अंधेरे में रहते, तो बैटरी से उजाले में रहते थे, लाइट हमारा मीटर तो आई नहीं, गरीब आदमी साहब मीटर नहीं है, ये ऊपर तार जरूर निकल रही है, हो सकता है हवा की वजह से, ये उसका हो सकता है, किसी ने लगा दिया पता नहीं, और पूरा सामान जल गया बैंड के सब सामान। क्या काम करते हो? बैंड बजाते हैं सब। अच्छा, और कौन कौन था जब आग लगी? जब यहाँ कोई नहीं थे, सब खाना खाने गए थे उधर। अच्छा। मेरे यहाँ आया था, मैंने वहाँ रात को खाना, वहीं था वो व्रत उपवास था जो। अच्छा।